हेलो रमेश, कुलदीप, सुरेंद्र। नमस्ते विभा, गुड इवनिंग। अभी तक हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आप लोगों को पढ़ाए हैं, हम लोग जो पढ़े हैं, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। और आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक अगला चरण पढ़ेंगे कि कैसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेचर क्या है। ये सब प्रश्न जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, यह जो प्रश्न होगा वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नेचर से संबंधित होगा, राइट? नेचर से संबंधित होगा। आपको हमने परिस्थितियों, जो सरकमस्टांस क्या था, फ्रांस की सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था क्या थी ऑन द ईव ऑफ रिवॉल्यूशन, मैंने बता दिया, चर्चा कर लिया। और अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, इनफैक्ट नेपोलियन भी आएगा, उसके कंट्रीब्यूशन होगी वो अलग बात है, लेकिन ये सभी के सभी, अगर कोई एक प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति के नेचर के बारे में बताओ, तो नेचर आप 1789 टू आप लोगों को शो करना होगा 1815 के बीच में, राइट? प्रत्येक चार चरण में कल हमने विभाजित किया था, और इन्हीं चार चरणों में हम देखेंगे कि ये जो फ्रांस की क्रांति है वह अलग अलग नेचर, उसका स्वरूप है, उसी रूप में देखने को मिलता है। तो उसी नेचर को हम समझने का प्रयास करेंगे, राइट? तो हम अपना ये क्लास शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जहां तक भी पढ़ा था वो तमाम चीजें आप लोग समझ में आ गई होंगी, कोई इश्यूज अभी तक नहीं होगा। और मैं आप लोगों से एक एक्स्ट्रा अपेक्षा ये करता हूं कि जितने प्रश्न मैं दे रहा हूं आप लोग उसको जरूर सॉल्व करते होंगे। विवाह, ये 12th क्लास की, 12th क्लास में आप देखोगे, 11th या 12th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अगेन आप लोग जुड़ गए हैं, चलिए अब मैं हम शुरू करते हैं, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं इस माध्यम से, इस अन एकेडमी की प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर, राइट? जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार यहाँ सभी के सभी कोर्सेज अवेलेबल है। सिलेबस क्या है, इनफैक्ट जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड के अनुसार भी हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस ग्रांट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारे पास जितने भी एजुकेटर्स मौजूद हैं उनके कोर्सेज तक आपकी एक्सेस इस्टेब्लिश्ड होगी,
पहली बात। और दूसरी बात, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है पहले हो चुके हैं वह भी अवेलेबल है, वहां भी जाकर के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो ये भी सुविधा है। आप लोग अनअकैडमी की इस लर्निंग ऐप को जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर ले, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग सारी एक्सेस ग्रांट हो सकती है। मेरे साथ साथ ही तमाम जो एजुकेटर्स हैं, 100+ जो एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा जो हमारी सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया जाता है वहां तक आपकी एक्सेस ग्रांट हो सकती है। आप लोग देख सकते हो अलग अलग टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर कराने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप लोग को निश्चित तौर पर एक सब्सक्रिप्शन चूज करना होगा, और उसके लिए एक न्यूनतम मिनिमम अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। और इसमें आप लोग को दो व्यवस्था प्रदान की गई है, और इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं में के अनुरूप आप लोगों को क्या करना होगा, एक सेवा शुल्क प्रदान करना होगा। जो प्लस जो जनरल सामान्य सब्सक्रिप्शन है उसमें आप लोग को मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड। और इसमें 12 महीने का जो चार्ज है वह संदीप YT रेफरल कोड के साथ 39,600 है, और 24 महीने का जो चार्ज है वह है संदीप YT रेफरल कोड के साथ 57,600 रुपीज। ओके, और दूसरा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए शुरू किया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक मेंटर्स की टीम होगी। हम तो एजुकेटर्स आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन हम लोगों के अतिरिक्त एक टीम होगी, और वह टीम भी आप लोगों के साथ इंगेज्ड रहेगी 24x7, राइट। ये आपको पर्सनली कोचिंग प्रोवाइड करेगी, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस कराएंगी, उसमें आपको पर्सनली फीडबैक भी देंगी, स्टडी प्लान करेंगी 1 या 2 साल के लिए। ओके, और इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जो 12 महीने का चार्ज है वह है 57,600 संदीप YT रेफरल कोड के साथ, और संदीप YT रेफरल कोड के साथ ही आप लोग 24 महीने का भी जो सब्सक्रिप्शन है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका चार्ज है 89,100 रुपीज। ओके, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हो गई, आप लोग इससे जुड़िए, और यहाँ पर मौजूद सभी एजुकेटर्स के द्वारा जो कोर्सेज अवेलेबल कराया गया है उसका लाभ उठाइए। नोटिफिकेशन नहीं आती है, नोटिफिकेशन तो आना ही चाहिए। ओके, चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको बता दूं काफी बड़ी चैप्टर है। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे लार्जर सेक्शन है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे हम जो पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और भी कई ऐसी घटनाओं को ये जन्म देंगे, राइट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं तो सिलेबस में भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। पहली चीज तो हमने यह पढ़ा दोस्तों कि भाई परिस्थितियों के बारे में हमने आपको बता दिया है, राइट। दूसरा हमने यह भी बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो इन आर्थिक संकट का समाधान निकालने का प्रयास किया गया, और इसी प्रयास के क्रम में कई ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो अंततः फ्रांसीसी क्रांति को क्या करती है, एक आकार प्रदान करती है। ओके, और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्टेट जनरल के बारे में, स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, देन टेनिस कोर्ट ओथ की घटनाएं घटित होती है, और यही टेनिस कोर्ट क्या होती है, नेशनल असेंबली बन जाती है, और यही नेशनल असेंबली क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन करके काम करता है, और क्या कर रहा है, हमने कल की क्लास में पढ़ा कि जो संविधान सभा बन रही है वह संविधान सभा काफी कुछ परिवर्तन कर रही है, राइट। और हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि देखो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो काम कर रही है वह हमने बताया था कि ये पूरे जो चरण होगा फ्रांस की क्रांति होगी वह 4 चरणों में विभाजित होगा, जिसमें हमने कल फॉर पहला चरण पढ़ा था, और वह कौन सा था, संवैधानिक राजतंत्र। यह संवैधानिक राजतंत्र यही वह काल है जब आप लोगों ने देखा होगा
क्या हो रहा है कि जो हमारा संविधान सभा है फ्रांस का, जो नेशनल असेंबली जो अपने आप को तब्दील कर देती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, वह क्या करती है, संविधान निर्माण करती है, नीति निर्माण करती है। अगेन इसी का आगे हम देखेंगे आज की क्लास में। पहला आज का क्लास का पहला चीज हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में यह संवैधानिक राजतंत्र वाला जो फ्रांस है वह कैसे उग्र गणतंत्र के काल में परिवर्तित हो गया है। पहली बात हम ये देखेंगे। हम आज क्या सीखेंगे, पहला तो हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र वाला जो गणतंत्र है राजतंत्र किस प्रकार उग्र गणतंत्र में परिवर्तित हो। देखो जब हमने कल पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के समय, तो फ्रांस की क्रांति के समय हमने क्या पढ़ा था, हमने याद कीजिए, जब हमने दार्शनिकों के बारे में बताया था, तो मॉन्टेस्क्यू हो या कोई भी हो, वो सभी के सभी ब्रिटेन के संवैधानिक राजतंत्र से काफी प्रभावित थे और वह चाहते थे कि हम संवैधानिक राजतंत्र की अवस्था में ही हमारी परिस्थितियां सही रहेगी और हम हमारी राजनीतिक जो सेटअप होगा, संरचना होगा, वो संवैधानिक राजतंत्र ही रहे और आगे बढ़ते रहे जैसे ब्रिटेन में चल रहा है। लेकिन हमको यह भी समझना होगा कि वैसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, अगेन सर्कमस्टांस, कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि ये संवैधानिक राजतंत्र उग्र गणतंत्रवाद के काल में परिवर्तित हो जा रहा है। और दूसरा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जब एक बार उग्र गणतंत्र के काल में परिवर्तित हो जा रहा है, नेशनल कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, तो फिर इसने कौन कौन से कार्य किए, इनके कार्यक्रम क्या क्या रहे, राइट याद रखिएगा। फिर हम इनके कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे और इन्हीं के कार्यक्रम के मूल्यांकन का परिणाम होगा कि ये फिर ये जो सेकेंड स्टेज है, यह सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए हम पहला दो क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे और इन दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल हम लोगों ने मैंने आप लोगों से क्या चर्चा किया था, नमस्ते नमस्ते एवरीवन, ओके कल हमने आप लोगों से क्या चर्चा किया था, हमने कल आप लोगों से चर्चा किया था संवैधानिक गणतंत्र राजतंत्र के बारे में। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए संवैधानिक राजतंत्र में क्या क्या बातें हो रही है। फ्रांस फ्रांस की क्रांति 1789, इसमें क्या किया गया, जो संवैधानिक राजतंत्र है, जो संविधान सभा है, वह संविधान सभा क्या कर रहा है। संविधान सभा एक काम कर रहा है कि जो पुराना व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है, इस पुरानी व्यवस्था को ट्रांसफर कर रहा है नवीन व्यवस्था में। इसका मतलब आप लोग यह भी कह सकते हो कि जो पुराना फ्रांस था, पुराना फ्रांस कैसा था याद कीजिए, मैंने बताया था, चर्चा किया था कि जो ये पुराना फ्रांस था ये क्या था, सामाजिक तौर पर रूढ़िवादी था, कंजर्वेटिव था, राजनीतिक तौर पर निरंकुश था, आर्थिक तौर पर कुछ वर्गों का हित था, ये पूरा करता था, राइट। लेकिन जब नवीन व्यवस्था उत्पन्न हो रही है तो इस नवीन व्यवस्था में याद कीजिएगा ये तमाम जो कुलीन वर्ग विशेषाधिकार वर्ग है, चाहे वह कुलीन हो, चाहे वह कुलीन हो या पादरी हो, चर्च हो, इन सब की विशेषाधिकार, इन सब की अधिकारों पर क्या कर रहा है, चोट कर रहा है। हम आपको बताएंगे दो तीन ऐसे लोग हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं,
जो संविधान सभा है, यह संविधान सभा क्या कर रही है 1791 में, 91 की बात है, यह एक एक्ट बिल पास करती है जिसको कहा गया है सिविल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द क्लर्जी सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इस प्रावधान को देखिए। इसमें सबसे पहला प्रावधान तो यह किया गया कि जो चर्च है, इस चर्च की भूमि को वापस ले लिया गया। चर्च हमने बताया था कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज था, इन्हीं के पास 65% ऑफ लैंड था। तो पहला काम तो यह किया कि इनके जो चर्च के पास लैंड थी, चर्च की भूमि को वापस ले लिया। पहली बात। और याद कीजिए, पुरानी व्यवस्था में चर्च की जो पादरी होते थे, जो प्रिस्ट की नियुक्ति होती थी, वो कैसे होते थे? वो उत्तराधिकार होता था, पिता पिता का पुत्र होगा, फिर पादरी बन जाएगा जन्म के साथ ही। लेकिन इसमें सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी जो बिल पास किया संविधान ने, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बात कही गई कि देखो, जो पादरी होगा वह पादरी उसका भी चुनाव जनता करेगी, पादरी का चुनाव जनता करेगी। अब पादरी कौन होगा यह कोई नहीं बता सकता। और तीसरा, इसमें और भी बातें कह दी गई कि अब इस पादरी का जो वेतन होगा, यह वेतन क्या करेगी, सरकार देगी, ठीक इसी प्रकार एक तरफ चर्च, दूसरी तरफ ये जो आपका दिखाई दे रहा है कुलीन वर्ग, जो सेकेंड एस्टेट्स के लोग थे, इनकी भी तमाम विशेषाधिकारों को छीन लिया गया। और तीसरा, राजा की भी अधिकार को क्या किया गया, छीन लिया गया। अब राजा वह निरंकुश, उसके पास उतनी पावर नहीं थी। राजा इनफैक्ट परिस्थितियां विपरीत थी, आर्थिक तंगी थी, आर्थिक समस्याएं थी, बावजूद इसके इसकी यह अपेक्षा नहीं थी कि वह अपनी शक्तियों को क्या करे, त्याग दे दे, राइट? तो अब क्या होता है, यहां ऐसी परिस्थिति में दो घटनाएं घटित हो रही हैं, यहां पर कुलीन और चर्च का एक ऐसा वर्ग है जो इस कुलीन, याद रखिएगा, ये जो कुलीन है और चर्च है, पादरी, इनसे संबंधित कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रांस छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रिया में, हॉलैंड में, इस तरह से ये प्रशा में ये लोग जा रहे हैं। पहली बात, इसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका परिणाम पहला कि ये संवैधानिक सभा, संवैधानिक जो ढांचा, राजतंत्र की स्थापना हो रही है, इसका परिणाम यह हो रहा है कि कुलीन और चर्च ये क्या कर रहे हैं, यूरोप के दूसरे देश जा रहे हैं। और इन दूसरे देशों में, याद कीजिएगा, यहां भी ऑस्ट्रिया हो, यहां भी हर जगह, चाहे स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, डच हो, ये तमाम क्षेत्रों में राजतंत्र ही है, ये तमाम लोग राजतंत्र की बात करते हैं, और ये सब निरंकुश राजतंत्र है। तो निश्चित तौर पर जितने भी कुलीन वर्ग जा रहा है, कुलीन या पादरी, ये यूरोप के दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे देश, जैसे प्रशा, ऑस्ट्रिया,
दूसरे देशों में जा रहे हैं, पहली बात। ओके ओके आरवी, ओके। तो कुलीन क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। दूसरी तरफ याद कीजिए, ये देखिए, ये है फ्रांस आपका, ये है फ्रांस। यहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हो गई है। और यहां पर जो प्रबोधन के विचार है, याद कीजिए, मैंने जो प्रबोधन के विचार, जो दार्शनिकों के विचार हैं, उसका प्रसार बिल्कुल ही जनता में हो गया है। आम जनता भी चाहती है इक्वलिटी, आम जनता भी चाहती है फ्रेटर्निटी, आम जनता भी चाहती है क्या स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें आम जनता चाहती है। तो निश्चित तौर पर ये एक आइडियोलॉजी है। ये तमाम जो रेस्ट ऑफ यूरोप के देश हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र का जो विचार है, इसका प्रसार कहां हो, इन तमाम देशों में हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तमाम देश क्या करेंगे, इनका प्रयास क्या रहेगा, क्या इनका प्रयास यह नहीं रहेगा कि ये लोग सभी लोग आपस में मिलकर राजा को फिर से, फ्रांस के राजा को फिर से मजबूत करें। दूसरी घटना यह हो रही है कि यूरोप के अन्य देश फ्रांस के राजतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, और ये कुलीन और चर्च, ये तमाम लोग भी क्या करेंगे, अब उनसे जाकर के मिल जाएंगे आपस में, राइट। तो ये दो तीन घटनाएं घटित हो रही है, और राजा भी खुद चाहता है कि क्या हो, राजा भी खुद चाहता है कि हमारी स्थिति मजबूत हो। इस वजह से यह भी चाहता है, राजा भी लिंकेज एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है प्रांस से, हॉलैंड से, ऑस्ट्रिया से, राइट। राजा भी प्रयास कर रहा है, और इसी का परिणाम क्या होगा, एक युद्ध होगा, और वो युद्ध क्या होगा, ऑस्ट्रिया और प्रजा के, सॉरी फ्रांस के बीच में, ऑस्ट्रिया बनाम फ्रांस युद्ध होगा। और इस युद्ध में ये फ्रांस क्या हो रहा है, पराजित हो रहा है, राइट। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, विभाग पादरी के चुनाव आम जनता क्यों करती थी, इसका एक साधारण सा ये है ना, क्योंकि अब ये आम जनता को, देखो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में तो ये ही होता है ना कि आम जनता, जनता के पास जो ये मोनार्की है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मोनार्की है, कल हमने क्या पढ़ाया था कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर किया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर, जो पावर अभी तक राजा में केंद्रित थी, संकेंद्रित थी, वह पावर अब क्या किया जा रहा है, आम जनता को दिया जा रहा है। वह पावर अब दिया जा रहा है किसको, जो संविधान, जो व्यवस्थापिका बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई है, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट। यही तो होता है ना, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, राइट। जो निरंकुशता है फ्रांस के शासन, जो पहले दूसरे क्लास में हमने चर्चा किया था फ्रांस की निरंकुशता के बारे में, वह निरंकुशता अब क्या हो गया है, इस निरंकुश शासन पर अगर अंकुश लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए तो एक ही उपाय है ना कि उसकी शक्तियों में से कटौती करो। और चर्च जो है, चर्च सत्ता का एक प्रमुख केंद्र था उस समय, राइट। आप लोग देखोगे कि ये जो चर्च है, ये चर्च क्या करेगा, बिल्कुल ही एक पैरेलल पावर है, जो चर्च है वह एक पैरेलल पावर है। इसी वजह से चर्च की शक्ति की भी कटौती करना जरूरी है। और चर्च की शक्ति की कटौती कैसे किया जा सकता है,
उसके लिए तो सबसे पहले जो वह 65% जो लैंड होल्डिंग्स है इसके पास और कुलीन के पास, उसके पास उसको आर्थिक रूप से कमजोर करो पहली बात, और दूसरी बात एक जो पादरी बनेगा, एक जो पोप होगा उस पोप का पुत्र ही पोप बनेगा, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ भाई? अब तो कुशलता की बात आएगी ना, यहां पर उत्तराधिकार का नियम नहीं होगा। यही तो संविधान है, यही तो समानता है, सबको अपनी क्षमता, उनकी क्षमता कैसी होगी उसी क्षमता के आधार पर उनको क्या मिलेगा, उनको हक मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा, शासन करने का अधिकार मिलेगा, राइट? तो इसी वजह से आप लोग देखोगे कि एग्जैक्टली आरबी बिल्कुल आपने सही बताया, वंशानुगत था, तो उसमें अब जनता को दिया गया, सरकार को दिया गया। कल भी हमने बताया था, याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि इस चर्च पादरी में भी दो वर्ग था, एक तो थे जो जिनकी आर्थिक अवस्था काफी मजबूत थी, राजनीतिक हैसियत भी थी, और पादरी में भी एक लोअर लोग थे, जैसे आज के समय में आप देख लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, इनको रिजर्वेशन दिया गया है ना, आरक्षण दिया गया है, आप लोग तो सुने होंगे। तो EWS क्या सामाजिक हैसियत इनकी क्या दयनीय है, सामाजिक रूप से क्या ये बहिष्कृत है? नहीं है। लेकिन सामाजिक रूप से बहिष्कृत नहीं होते हुए भी आप लोग देखोगे कि इनकी जो आर्थिक अवस्था है वह आर्थिक अवस्था समतुल्य है जो आरक्षित वर्ग है उससे, राइट? इस वजह से इनको क्या किया गया, EWS का दिया गया। उसी प्रकार इसी EWS को फिट कीजिए फ्रांस के पादरी से, तत्कालीन पादरी से, पादरी तो थे लेकिन वह भी EWS थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, क्रांति का समर्थन किया। लेकिन क्रांति के समर्थन का मतलब यह नहीं था कि आप चर्च पर इतना हमला कर दो, वह इस चीज के भी विरोधी थे। और जैसे ही संविधान सभा ये सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी बिल पास करती है, वैसे ही वो तमाम पादरी एकजुट हो जा रहे हैं और वह क्रांति के विरोधी हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग देखो एक चीज पता चल रहा है कि 1792 तक आते आते क्या हो रहा है, 1792 तक आते आते जो क्रांति हुई है उस क्रांति के विरोधी में कुछ गुट निर्मित हो जा रहा है। इस क्रांति का अब एक विरोध करने वाला वर्ग भी फ्रांस में पैदा हो गया है, और वह फ्रांस में विरोधी गुट कौन कौन सा है? पहला, 1792 की मैं बात कर रहा हूं, 1792 में फ्रांस के क्रांति का विरोधी गुट, अगेन इसमें सबसे पहला तो यही होगा पादरी, जो चर्च वगैरह है वही तमाम लोग होंगे जो इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, कैथोलिक पादरी हैं वही। पादरी सेकंड याद कीजिए जो कुलीन है, ये कुलीन भी। थर्ड एक बात और बताइए, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? पहली बात आर्थिक समस्या थी, आर्थिक संकट था, लोगों के पास रोटी नहीं था, और ऐसे लोग आर्थिक संकट से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या क्या थी, काफी अधिक थी। जो थर्ड स्टेज के किसान थे, जो मजदूर थे, ये तमाम लोगों की आर्थिक अवस्था क्या थी, काफी दयनीय हो गई थी, और इसी का परिणाम हुआ कि ये लोग क्रांति में क्या हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो थर्ड एस्टेट्स के लोग, और खास करके थर्ड एस्टेट्स में भी जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं,
उनकी अपेक्षा क्या होगी। चलो ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने के साथ ही वह क्या काम करे, आर्थिक रूप से इनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे। लेकिन अभी हमने बताया कि किस प्रकार जो इस फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध यूरोप के देशों में एक क्या हो रही है, प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है, और उसी प्रतिक्रिया का परिणाम है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच होने वाला युद्ध। अगेन, जो भी युद्ध होता है वह आर्थिक रूप से क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव ही डालता है। तो इसके वजह से जो ये फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध यूरोपीय देशों की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है, इसके कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे इन लोअर क्लास की जो आवश्यकताएं थी इस क्रांति से, जो अपेक्षाएं थी, वह अपेक्षाएं पूरा नहीं हो पाया। और यही वजह है कि देखो 1789 से 92 तक आते आते अब इनकी भी एक क्या हो गया, क्रांति से मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, तीसरा कौन है, लोअर वर्ग, लोअर क्लास के लोग हैं, जिनका इस समय तक आते आते आप लोग देखोगे, इस समय तक आते आते क्या हो रहा है, ओके, इस समय तक आते आते इस लोअर क्लास की भी क्या हो रहा है, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी बढ़ गई है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनकी भी एक मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सिर्फ लोअर क्लास की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ी गई है, लेकिन याद कीजिए किसानों की समस्याएं क्या थी भाई, किसानों की भी तो अपेक्षाएं थी। किसानों की इस समय अपेक्षाएं हैं कि भाई क्या करे, कि नई सरकार बनेगी, नई व्यवस्था इस्टेब्लिश होगी, और ये हमारे ऊपर जो बकाया है उस बकाया को समाप्त करेगी, वापस दे देगी, जो हमने एक्स्ट्रा शुल्क दिया है उसको वापस कर देगी। लेकिन इन किसानों को भी नहीं मिल रहा है, और इसके वजह से क्या हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस समय तक आते आते अगेन मैंने आपको कल ही बताया था कि अब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो चुनाव की प्रक्रिया की वजह से कई ऐसे राजनीतिक दल आ गए, तो उसमें भी क्या हो रहा है, जो एक जैकोवियन और जिरोंदीन्स, ये दो जो राजनीतिक दल है, जैकोवियंस जैसे जो राजनीतिक दल है, जैसे राजनीतिक दल, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रांसीसी समस्याओं, जो समस्याएं थी उसका और अधिक रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, ये चाहते हैं कि भाई और अधिक रेडिकल सॉल्यूशन हो, रेडिकल सॉल्यूशन हो। ये सिर्फ इस यही से सीमित मतलब नहीं है, संतुष्ट नहीं है कि भाई फंडामेंटल राइट्स दे दिया जाए या आपने चर्च की भूमि को कर दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने ऑन द ग्राउंड जो 80-90% जनता है उसके लिए और क्या क्या हुआ है, आप खुद सोचो। तो ये तमाम जो वर्ग है इस समय तक आते आते फ्रांस की जो क्रांति है उससे इनका मोहभंग स्पष्ट रूप से झलकने लगा था, और इसमें राजा, कैथोलिक पादरी, कुलीन हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं, ये तमाम ऐसे लोग ये क्रांति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये क्रांति डायरेक्ट इनका जो हक था, इनका जो एक विशेषाधिकार था, प्रिविलेज था, उस पर हमला था, राइट। अब इसके बाद समस्या क्या होती, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैंने आप लोगों से बताया था कि ऑस्ट्रिया, यूरोप जो फ्रांस की क्रांति हो रही है, इस फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हो रही है। फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध
यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही, और ये प्रतिक्रिया क्यों उत्पन्न हो रही है, और ये प्रतिक्रिया इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि यहां पर तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई है, जबकि ये जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज हैं यहां पर अभी भी निरंकुश राजतंत्र है। और आपको पता ही है निरंकुश राजतंत्र फ्रांस के जो उच्च विचार है, जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है, उसका दमन करना चाहती है, क्योंकि अगर इस विचार फ्रांस के जनता में फैले विचारों का प्रसार होगा यहां इन तमाम देशों में, तो यहां की जनता भी क्या करेगी, विद्रोह करना प्रारंभ करेगी, जो कि निश्चित तौर पर ये जो राजनीतिक सत्ता है इनके लिए एक समाप्त करने का काम करेंगे। ओके, तो अब देखो ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, राजा की जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उसको देखो आप लोग। निश्चित तौर पर जब ये देख लो, ये विचार यहां पर जब कुछ राजनीतिक क्रांतिकारी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये घोषित कर रही है, क्या घोषित कर रही है, ये घोषित कर रही है कि भाई हम लोग ये जो फ्रांस की क्रांति के विचार है इसका प्रसार करेंगे, इसका ये लोग प्रसार करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ देखो आप लोग, ये लोग इसका दमन करना चाहते हैं, जो ग्रीन है ये ब्रिटिश डच, ये ब्रिटिश हैं, ये तमाम आप लोग देख लो ब्रिटिश हैं, ये आप इधर आओ पर्शा है, यहां पर ऑस्ट्रिया है, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया है, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दमन करना चाहते हैं, जबकि ये लोग इसका प्रसार करना चाहते हैं, और इसी का परिणाम होगा कि इनके बीच कंफ्लिक्ट होगा, और इस कंफ्लिक्ट के कारण जो राजा होगा उस राजा को क्या किया जाएगा, मृत्यु का दंड दिया जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे, राइट। तो चूंकि अब पहला यहां पर हमने समझा दिया आप लोगों को कि जब फ्रांस की क्रांति का भय हो रहा है, क्रांति का भय जब हो रहा है यूरोप की देशों को, तो ये लोग ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ है रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ये रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन से आ जाएंगे, ब्रिटेन, यस, दूसरा आप लोगों को प्रशा, तीसरा ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, इस तरह से ये तमाम देश जो हैं, ये रेस्ट ऑफ यूरोप में ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे देश क्या करेंगे, इनका विरोध करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसी समय में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में युद्ध भी हो रहा है, याद रखिएगा इस समय जो ऑस्ट्रिया है ये काफी मजबूत देश है, यूरोप में इस समय दो ऐसी शक्तियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, एक है ब्रिटेन और दूसरा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का आप लोग देखोगे, ये देखो ये तमाम आप लोग देखोगे, जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करेंगे, हर जगह जो हैब्सबर्ग मोनार्की है ऑस्ट्रिया में, इसी के समर्थक कहीं हर जगह राजतंत्र है, राइट। तो ऑस्ट्रिया आप लोग देखोगे काफी महत्वपूर्ण सत्ता है, और आगे आने वाले समय में भी जब क्रांतियां काफी सारी क्रांतियां होंगी, उस क्रांति में हम लोग देखेंगे कि ये ऑस्ट्रिया काफी मजबूत होगा, तो इस ऑस्ट्रिया को आप लोग कमजोर मत समझ। दो ऐसी शक्तियां हैं, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, वो काफी महत्वपूर्ण है, राइट। अब एक बात आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, और मैं उसका जवाब आप लोगों से चाहता हूं, क्या प्रश्न है, मैंने यहां पर बताया कि देखो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है, हमने आप लोगों को पढ़ाया था,
तो संवैधानिक राजतंत्र वहां पर होते हुए भी वह फ्रांस के खिलाफ क्यों था? क्योंकि अगर भाई ऑस्ट्रिया और प्रसा अगर ये लोग फ्रांस की क्रांति का विरोध कर रहे हैं तो ये बातें तो समझ में आती है, क्योंकि प्रसा और ऑस्ट्रिया नहीं चाहते हैं कि फ्रांस की क्रांति का जो विचार है वह क्या हो, उनके देशों में पहुंचे। क्योंकि जब ये विचार वहां पर पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है रसा और ऑस्ट्रिया के जो शासक हैं, सत्ता है, उसके लिए एक संकट होगा। लेकिन ब्रिटेन को तो इस प्रकार कोई डर नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में तो ऑलरेडी यहां पर क्या है, यहां पर ऑलरेडी क्या है आप लोग बताओ, संवैधानिक राजतंत्र है। तो प्रश्न है कि ब्रिटेन क्यों फ्रांस के खिलाफ जो एक गुट बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप में शामिल हुआ। आप लोग समझ पा रहे हो? क्या आप लोग जवाब देना चाहोगे? पूंजीपतियों के दबाव भी एक कारण था। ओके okay। देखिए हम आगे तो ब्रिटेन की जो यूरोप के प्रति नीतियों को समझ हम आगे काफी चर्चा करेंगे, राइट। लेकिन हम आपको यहां पर बता दें कि ब्रिटेन का विश्व के प्रति नजरिया क्या है। तो ब्रिटेन का जो विश्व के अनरेस्ट ऑफ वर्ल्ड के प्रति जो नजरिया है वह दो रूपों में देखने को मिलता है। पहला, एक तो यूरोप के प्रति। देखो ब्रिटेन हमेशा चाहता है कि यूरोप में शक्ति संतुलन में कोई परिवर्तन ना हो। याद कीजिएगा, अभी हम आपको बताएंगे कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं वह कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ये क्रांति के जो विचार हैं इसको प्रचारित करेंगे। पहली बात, क्रांति के विचार का प्रसार करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने यह कहा कि देखो एक बार अगर किसी भी देश में, मान लीजिए प्रसा में या ऑस्ट्रिया में अगर क्रांति के विचार वहां पर जा रही है तो हमारा वहां पर प्रयास क्या होगा कि वहां के जो निरंकुश राजतंत्र है उसको समाप्त करो। निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करो, और यहां पर निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके जो आधुनिक राजनीतिक सत्ता है उसको स्थापित करो, एक संवैधानिक राजतंत्र की वहां पर स्थापित करो, या तो संवैधानिक राजतंत्र या संविधान से संचालित होने वाली कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वहां पर स्थापित करो, राइट। अब चूंकि फ्रांस की जो क्रांति है इस समय तक 1792 तक आते आते, सिर्फ अगर आप लोग इन तीन पॉइंट्स को देखो, ये तीनों पॉइंट्स जो है ना फ्रांस के क्रांतिकारियों के विचार हैं, तो इससे क्या, इन तीन पॉइंट से क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो क्रांतिकारी हैं ये फ्रांस की जो क्रांति प्रभाव है ये फ्रांस का प्रभाव पूरे यूरोप में फैलाना चाहते हैं। और जब इस फ्रांस के विचार पूरे यूरोप में फैलेगा इसका मतलब क्या है, फ्रांस का राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित होगा यूरोप में, और इस प्रकार आने वाले समय में फ्रांस काफी मजबूत हो जाएगा। और एक बार अगर फ्रांस मजबूत हो गया तो यह ग्रेट ब्रिटेन के लिए, यूरोप में क्या करेगा, समस्याएं पैदा करेगा। ब्रिटेन हमेशा चाहता है कि यूरोप में शक्ति संतुलन उसके पक्ष में रहे।
और वह चाहता है कि ये शक्ति संतुलन में कोई परिवर्तन न हो, और यही वजह है कि वह नहीं चाहता है कि फ्रांस की जो शक्ति है वह और बढ़े, और यही वजह है, इसी के कारण परिणाम स्वरूप वो क्या कर रहा है, ये रेस्ट ऑफ जो फ्रांस के जो प्रतिरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिल करके क्या कर रहा है, फ्रांस की जो इन्फ्लुएंस है क्रांति के, उसके विचार को प्रसारित होने नहीं देना चाहता है, बल्कि क्या करना चाहता है, सीमित होकर के रखना चाहता है। ओके, तो यही वजह है कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि फ्रांस की क्रांति का क्या कर रहा है, ब्रिटेन यहां पर फ्रांस की क्रांति का विरोध कर रहा है, और प्रसा ऑस्ट्रिया हॉलैंड इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन करना नहीं चाहते, राइट। तो यहां तक ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, जैसे ही मैंने आपको क्या बताया कि फ्रांस की क्रांति का प्रसार हो रहा है, तो इस वजह से ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस युद्ध हो रहा है और इसमें फ्रांस का पराजय हो जाता है। याद कीजिएगा, जब फ्रांस पराजित होता है तो जनता के बीच में क्या संदेश जाता है, जनता इस पराजय को किस रूप में देखती है। देखो, अगर भारत चीन में युद्ध हो, भारत का पराजय होता है, भारत जीत हो जाता है, चीन पराजित हो जाता है, तो निश्चित तौर पर एक तो सैनिक और सामरिक जो कारण होता है वही होता है, लेकिन जब फ्रांस इसमें पराजित हो जाता है तो फ्रांसीसी जनता को यह लगता है कि जो हमारा राजा है, वह क्या कर रहा है, अपनी सभी सूचनाओं को ऑस्ट्रिया को क्या किया है, दे दिया है, अपनी सैनिक सामरिक जो सूचनाएं हैं वह ऑस्ट्रिया को प्रेषित कर दिया है, और इसी का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया ने क्या किया, फ्रांस को पराजित कर। इसका परिणाम क्या होगा, इस राजा के खिलाफ एक अविश्वास पैदा होगा। राजा अभी भी पेरिस में ही है, लेकिन जब ऐसा भयावह स्थिति पैदा हो रही है तब राजा डर गया और वह क्या जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जाता है, संवैधानिक जो सभा है वहां पर जाता है। निश्चित तौर पर जब यहां पर आता है तो संविधान सभा क्या करती है, यह घोषित करती है कि भाई अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इसीलिए अब चुनाव कराना काफी जरूरी है। और यही 1792 में क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है 1792 में, और ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा को नष्ट कर दिया जा रहा है और कहा गया चुनाव के बाद राष्ट्रीय असेंबली, नेशनल जो काउंसिल है उसका क्या होगा, नेशनल कन्वेंशन क्या होगा, बनेगा। राइट, 1792 में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के बाद क्या हो रहा है, नेशनल कन्वेंशन गठित हो रहा है। अब क्या हो रहा है, देखो एक बात और मैं बता दूं, कल हमने बताया था आप लोगों से कि जो चुनाव का आधार क्या था, पहला हमने बताया था कि चुनाव हुआ था और इस चुनाव के लिए हमने बताया था कि संपत्ति को आधार बनाया गया था, लेकिन ये जो यहां पर चुनाव हुआ था, इस चुनाव में चूंकि संपत्ति को अधिकार आधार बनाया गया, तो ऑब्वियस ही बताओ आप लोग, मध्य वर्ग ही इसमें शामिल होगा, किसान इसमें इस चुनाव में शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार एक नेशनल कन्वेंशन बन रहा है, इस नेशनल कन्वेंशन में कई ऐसे राजनीतिक दल उत्पन्न हो रहे हैं और इसी राजनीतिक दल में दो दल काफी महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है,
एक कौन सा है? जैकोबिन्स। और दूसरा है जिरोंदिन्स। राइट। तो ये दो जो राजनीतिक दल है ये दोनों क्या हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों में कुछ फंडामेंटली किसान इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि देखिए उस आपके आगे ही आरबी ने क्या किया है, आपके पहले ही आरबी ने रिप्लाई भी किया है। ओके तो ये जैकोबिन्स और जिरोंदिन्स कौन थे? ये जो जैकोबिन्स और जिरोंदिन्स आप लोगों को समझना होगा, जैकोबिन्स एंड जिरोंदिन्स ये दोनों क्या थे? राजनीतिक दल थे। और ये दोनों राजनीतिक दल क्या हो रहे हैं चुनाव में, 1792 के चुनाव में भाग ले रहे हैं, 1792 में जो नेशनल कन्वेंशन बन रहा है उसमें भाग रहे हैं। ये दोनों बहुत बड़े राजनीतिक मतलब समझिए टू लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज थे। ओके तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आप लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक होता है आतंक का राज, आतंक का राज ये जैकोबिन्स जो होंगे हम देखेंगे कि यही आतंक के राज के समय में ये फ्रांस में क्या है पावर में है। आतंक का राज क्या है, किस प्रकार है, इसका स्वरूप क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, ये हम थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये जो दल थी जैकोबिन्स जो राजनीतिक दल था इनका फ्रांस के स्वरूप के बारे में क्या सोच थी? इनकी सोच थी कि जो फ्रांस होना चाहिए वह एक सेंट्रलाइज्ड क्या होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। इन्होंने कहा कि फ्रांस एक केंद्रीकृत गणतंत्र होना चाहिए। राइट। ऑब्वियस सी बात है ये संघ की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं, गणतंत्र यानी संघ की स्थापना की करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि अगर आप लोग देखोगे ये जो जिरोंदिन्स होते हैं या जैकोबिन्स के अपेक्षा ये काफी मॉडरेट हैं, ये उदारवादी हैं, ये उदारी मतलब विचार ये रखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है इन्होंने क्या किया था कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही है तो इस फ्रांस की क्रांति के समय जिरोंदिन्स ही क्या है पावर में है, सत्ता में है। राइट। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका ऐसा मानना है कि देखो पावर का सेंट्रलाइजेशन, ये जो केंद्रीकृत की बात कर रहे हैं ना, ये कहते हैं कि नहीं पावर का सेंट्रलाइजेशन मत करो, ये कहते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज करो, आम जनता को इंपावर करो। ये इनका विचार क्या होता है कि कॉमन मैन सामान्य जन को सशक्त करो, राजनीतिक रूप से सशक्त करो। राइट। यही वजह होगी कि जब मैंने कल बताया था कि 83 स्टेट्स में क्या किया गया है, यहां पर डिवाइड किया गया है प्रशासनिक तौर पर, ये जिरोंदिन्स क्या करेंगे कि संघ के प्रति जो पेरिस की जनता है, ये पेरिस की जनता ऑब्वियसली चाहेगी कि एक संघ हो, मजबूत संघ हो, तो इस संघ के विरुद्ध ये जिरोंदिन्स वाले राज्य को क्या करेंगे, भड़काने का प्रयास करेंगे। राइट। यही वजह है, इनकी सोच ही यही है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज करो, ये सेंट्रलाइज करने की बात नहीं है।
जो आपका रिपब्लिक, आप जो यूनियन की बात कर रहे हो, ये यूनियन सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, राज्यों को पावर दो, आम जनता को पावर दो, राइट? तो ये दो दल है, ये इनकी सोच है, और इसी आधार पर क्या करेंगे, ये आगे काम करेंगे। निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया था जो परिवर्तन के बारे में, कि ये हमेशा चाहेंगे कि रेडिकल परिवर्तन हो, रेडिकल परिवर्तन की बात करेंगे, जबकि ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेंगे, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन की बात करेंगे, कंजर्वेटिव चेंज की बात करेंगे। ओके तो ये जैकोबिन्स और क्या है, ये जिरोंदिन्स हैं, यही क्या है, राजनीतिक दल है। अब हम लोग इन्हीं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जब नेशनल कन्वेंशन हो रहा है, इस नेशनल कन्वेंशन में किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है। हमने अब तक क्या किया, रॉ मटेरियल आप लोग को दे दिया, मैंने बता दिया जैकोबिन्स कौन है, मैंने बता दिया जिरोंदिन्स कौन है। हम एक बार आप लोगों को सारी इस समय की जो परिस्थितियां, सरकमस्टांस हैं, वह सरकमस्टांस बता दे रहे हैं। पहला, फ्रांस में देखो, फ्रांस की स्थिति कैसी है। फ्रांस फ्रांस के पास समस्याएं क्या क्या है। फ्रांस के पास पहली समस्या तो यह है कि जो यूरोपीय देश हैं उनसे सामना कैसे करें, यूरोपीय देशों से सामना कैसे करें। दूसरा दूसरा और सबसे प्रमुख, राजा का क्या करें। राजा के साथ अभी हमने बता दिया था कि राजा के प्रति क्या है, एक अविश्वास आम जनता में पैदा हो गई है। हम देखेंगे कि किस प्रकार उसके खिलाफ देशद्रोह, लुई सुलाहवा जो है, लुई सुलाहवा के खिलाफ देशद्रोह होगा और उसको फांसी दे दिया जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, लुई सुलाहवा के साथ किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाए, इसमें भी जैकोबिन्स और जिरोंदिन्स इन दोनों के बीच में क्या है, विरोधाभास है। तीसरी समस्या है, अगेन जो आम जनता है, उस आम जनता की आवश्यकताओं की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए। और तीसरा, एक राजनीतिक वर्चस्व की कहानी भी अब शुरू होगा, और यही राजनीतिक वर्चस्व की कहानी आप लोग देखोगे आतंक की राज में बढ़ेगा, राइट? तो ये तमाम समस्याएं हैं, ये परिस्थितियां हैं। परिस्थिति कितनी भयावह है, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हो कि यूरोप के सारे देश फ्रांस के विरोधी हो गए हैं। आम जनता में भी क्या हुआ है, आम जनता में भी एक मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजा लुई सुलाहवा के खिलाफ भी एक अविश्वास उत्पन्न हो गया है। और तीसरा, जैकोबिन्स एंड जिरोदिन्स, इनके बीच में भी एक प्रकार का क्या होगा, कंपटीशन इस समय उत्पन्न होगा, राइट? तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो नेशनल, हमको क्या देखना है, हम दो तीन मुद्दों को देखने का प्रयास करेंगे कि जो नेशनल कन्वेंशन बना है, नेशनल कन्वेंशन बन गया है 1792 में, नेशनल कन्वेंशन कैसे बना है, और ये नेशनल कन्वेंशन जो 1792 में बना है वह किस प्रकार इन तमाम समस्याओं का सामना कर रहा है। हम देखेंगे कि ये नेशनल कन्वेंशन राजा को तो ऐसे ही समाप्त कर देगा, लेकिन यूरोप, फ्रांस की जनता और राजनीतिक वर्चस्व, ये दोनों क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। सबसे पहले हम राजा की स्थिति को देखते हैं कि राजा, याद कीजिएगा जो पहली कहानी है, ऑस्ट्रिया से पराजय हो रही है,
आम जनता को ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने क्या किया है, सैनिक और अन्य सामरिक सूचनाओं को क्या किया है, सेंड कर दिया है ऑस्ट्रिया को, और इसी वजह से क्या हुआ है, और जनता की आशंका यह क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इस समय तक क्लीन चर्च ये तमाम लोग जा रहे हैं उन देशों को, देशों फ्रांस को छोड़कर के दूसरे देशों में जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग फ्रांस को छोड़कर के दूसरे देशों में जा रहे हैं वह वर्तमान जो संवैधानिक सेटअप है, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको समर्थन नहीं कर रहे हैं, वह उसके विरोधी हैं और राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। इसलिए जब वह लोग जा रहे हैं अन्य देशों में, फ्रांस में, प्रशा में, ऑस्ट्रिया में, वह देश क्या कर रहे हैं, इनको शरण दे रहे हैं, राइट? तो इस वजह से क्या हो रहा है, जनता की आशंका और बढ़ रही है राजा के प्रति, और इसी का वजह, इसी का कारण है कि हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, नेशनल कन्वेंशन जो है वह इन समस्याओं का समाधान किस रूप में करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशों के साथ अभी 1792 से 94 के बीच में की अवस्था के बारे में देखते हैं कि 1792 और 94 के बीच में जो नेशनल कन्वेंशन है, या नेशनल कन्वेंशन यूरोपीय देशों के प्रति किस प्रकार की रवैया। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसमें आप लोग देख लो कि क्रांतिकारी जो हैं, क्रांतिकारी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी, ये 1792 में यह घोषित करते हैं कि अब हमारा उद्देश्य है, 1792 में यह अपना उद्देश्य घोषित करते हैं कि ये अब क्रांति का प्रसार करेंगे, क्रांति का प्रसार करेंगे किन किन देशों में, यूरोप के अन्य देशों में, और जहां भी प्रसार करेंगे वहां पर हम निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करेंगे, ये हमारा कर्तव्य होगा, ये हमारी लाइबिलिटी होगी कि हम वहां पर क्या करेंगे, निरंकुश जनता को, निरंकुश जो राजतंत्र है, राजतंत्र इसको समाप्त करें, और निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करें, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करें। ऑब्वियस सी बात है, ये उनकी है। दूसरा, तीसरा और भी बातें कही थी, याद कीजिए, वहां भी कुलीन, उन्होंने कहा कि जहां भी जाएंगे वहां पर कुलीनों को हम क्या करेंगे, उनकी जो भी संपत्ति है उसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देंगे, राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देंगे। साथ ही साथ चर्च के खिलाफ भी उन्होंने कहा, चर्च को, चर्च के प्रति भी वही व्यवस्था लागू करेंगे जो फ्रांस में लागू हुई है, फ्रांस के समान चर्च का भी राष्ट्रीयकरण कर देंगे, राइट? तो इस प्रकार यह देखिए, इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से तमाम देश, तमाम जो देश हैं वह क्या कर रहे हैं, फ्रांस के प्रति युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, युद्ध की घोषणा करेंगे। और जब ये युद्ध की घोषणा करेंगे तो इन कई ऐसे युद्ध हो रहा है जहां पर फ्रांसीसी क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। याद कीजिएगा, जो हम नेपोलियन का साम्राज्यवाद पढ़ेंगे, नेपोलियन का साम्राज्यवाद की जो आरंभिक अवस्था यही है, ये बात अलग है, रिजल्ट वहां पर परिवर्तित हो गया, वहां पर नेपोलियन विजित हो जा रहा है, जबकि यहां पर इस तरह की विजय फ्रांसीसियों को नहीं मिल रही है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को नहीं मिल रही है। विवेक, मैं पूरा कर दूंगा, इसके लिए तो निश्चिंत रहिए। ओके, तो पहला, पहली समस्या को मैंने बता दिया आप लोगों से चर्चा कर लिया।
देखो ये नेपोलियन जो नेशनल कन्वेंशन के समक्ष जो पहली समस्या है उन्होंने क्या किया, सफलता असफलता मिलते रही। अगेन देखो ये प्रसार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा फ्रांस पर वह क्या करेगा, वह काफी समस्या पैदा करेगा। युद्ध हमेशा क्या करता है, एक नकारात्मक आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, सामाजिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है। आम जो सेना है, सेना की जब मृत्यु होती है तो ऑब्वियस सी बात है आम जनता क्या सोचेगी, आम जनता यही सोचेगी ना कि भाई हमने क्या इसी दिन के लिए ये क्रांति किया था। तो ये सोशियो इकोनॉमिक जो इंपैक्ट होगा इस युद्ध का वह क्या करेगा, इस क्रांति से मोहभंग की स्थिति उत्पन्न होगी। अगेन कहा जाता है, एक प्रश्न हम देखेंगे जब नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, कि नेपोलियन क्रांति पुत्र भी था और क्रांति हंता भी था। याद कीजिए क्यों क्रांति हंता कहा गया है, यानी कि जो क्रांति का जो नेचर है, जो जो हम कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इंपैक्ट है उसको नेपोलियन समाप्त कर दे रहा है, लोकतंत्र को समाप्त कर दे रहा है, फिर भी आम जनता उसका समर्थन क्यों कर रही है, क्योंकि देखिए मोहभंग अब होना प्रारंभ होगा जब आम जनता का इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप से, पॉलिटिकल सेटअप से मोहभंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसको अगर नेपोलियन आएगा और हटा भी देगा आम जनता उसका विरोध नहीं करेगी। तो आप लोग यहां से पॉइंट कलेक्ट करना शुरू कर दो, नेपोलियन क्रांति पुत्र था साथ ही साथ क्रांति हंता भी था। तो क्रांति हंता था लेकिन आम जनता ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, इसका कारण आप लोग को यहीं से पॉइंट कलेक्ट करना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट कलेक्ट करते चलो ताकि आप लोग की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। तो नेशनल कन्वेंशन ने यूरोपीय देशों के साथ ये व्यवहार किया, ये अपने लक्ष्य किए, इन्होंने यह टारगेट तय किया कि हमारा टारगेट यह होगा। इसका परिणाम ऑब्वियस सी बात है, इसका सोशियो सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी होगा। परिणाम नकारात्मक प्रभाव होगा और आम जनता का मोहभंग होना प्रारंभ हो जाएगा, मोहभंग होना प्रारंभ हो जाएगा इससे। सॉरी। ओके, अब दूसरा दूसरा परिस्थिति क्या होता है कि भाई राजतंत्र के साथ उसने क्या किया, जो राजा थे राजा के साथ उन्होंने ऐसा क्या किया राजा के साथ। देखिए अगेन राजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला और राजा को क्या किया गया, फांसी की सजा दे दी। और ये राजा कौन था, लुई 16वां, लुई 16वां को फांसी दे दी गई, लुई 16वां को फांसी दे दी गई। अगेन यहां भी जैकोबिन्स और जीरोंदेस में डिफरेंसेस था, राइट। ओके, तो आप लोग समझ रहे हो, यहां तक अगर कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो तो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर क्या था, दोनों में डिफरेंसेस था। जैसे जो जीरोंदेस थे, जीरोंदेस की नीति तो अस्पष्ट अस्पष्ट नहीं थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो राजतंत्र के विरोधी थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो चाहते थे कि देखो राजतंत्र के तो हम विरोधी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि लुई 16वां को हम फांसी दे दें, बल्कि इसके लिए क्या करना चाहिए, जनमत संग्रह करना चाहिए और इसी जनमत संग्रह के आधार पर ही राजा के भाग्य का निर्णय करना चाहिए।
जबकि ये जीरोंदेज मानते थे, जबकि जो ये कौन थे, जैकोबिन्स थे, जैकोबिन्स ने कहा कि देखो अगर नेशनल कन्वेंशन ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और इस मुकदमे में अगर उनको फांसी की सजा मुकर्रर हुई है तो उनको फांसी दे दो। तो इस प्रकार देखो जैकोबिन्स क्या थे, अस्पष्ट थे कि भाई जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो नेशनल कन्वेंशन है, नेशनल कन्वेंशन के पावर पर वो क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अगेन ये व्यवस्था कहां से, जो मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस बताया ना यहां पर जैकोबिन्स ऑन जीरोंदिन्स में, ये देखो ये जीरोंदिन्स क्या कर रहे हैं, जीरोंदिन्स कर रहे हैं राजा को फांसी देनी है, नेशनल कन्वेंशन इसका तय ना करे बल्कि वह क्या करे, जनमत संग्रह कराए। जनमत संग्रह वह क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए हमने बताया ना आप लोगों को कि वह सामान्य जन को क्या कर रहे हैं, मजबूत करना चाहते हैं, वह पावर को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसको, आम जनता को। जबकि ये केंद्रीकृत गणतंत्र की बात करते हैं जैकोविंस, इसी वजह से यह क्या कर रहे हैं, उदाहरण मैंने बता दिया कि नेशनल कन्वेंशन जो है, नेशनल कन्वेंशन अगर तय कर दिया कि भाई फांसी देना है तो फांसी दो। याद कीजिएगा आगे जो होगा हम देखेंगे, डायरेक्टर का शासन, फिर नेपोलियन का शासन होगा, यही सेंट्रलाइजेशन होगा, यही सेंट्रलाइजेशन होगा, राइट। तो इन दोनों का जो नेचर है, इस नेचर को आप लोग समझ करके ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, राइट। तो एक तो राजा के साथ हो गया, अब जो जैकोविंस थे और जीरोंदेस थे उनके बीच में काफी अधिक कॉन्फ्लिक्ट्स था। और विरोध क्या था, तीसरा मैंने बताया आर्थिक संकट, तीसरी समस्या क्या थी, आर्थिक। नेशनल कन्वेंशन की यह सबसे प्रमुख जिम्मेदारी थी कि वह जो आर्थिक संकट की अवस्था है उसमें कुछ ना कुछ सुधार करे। इस आर्थिक संकट को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी, नेशनल कन्वेंशन की। और नेशनल कन्वेंशन ने इसके लिए कुछ प्रयास भी किए, उसने कुछ सुधार किए। इस नेशनल कन्वेंशन ने क्या सुधार किया, यह सुधार पहली बात उसने कहा कि देखो सुधार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि आम जनता के पास पैसे नहीं है, कीमतें चूंकि युद्ध हुई है, संकट क्या थे, कीमत बढ़ गया है, इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई है। इन्फ्लेशन का मतलब समझते हो ना आप लोग, वस्तुओं का मूल्य काफी अधिक बढ़ गया है। और वस्तुओं का मूल्य क्यों बढ़ गया है, वस्तुओं का मूल्य दो तरीके से बढ़ता है, एक तो आम जनता के पास पैसा नहीं है कि वह खरीद सके, राइट, आम जनता के, और दूसरा वस्तुओं की सप्लाई भी ना हो, क्योंकि युद्ध युद्ध जनित परिस्थितियां हैं, तो युद्ध जनित परिस्थितियां में कंज्यूमरिस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वस्तुओं का शॉर्टेज होगा, और जब वस्तुओं का शॉर्टेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन की स्थिति का समाधान कैसे होगा, इसने कहा कि देखो हम सबसे पहले, हमारा एक ही टारगेट ग्रुप है कि जो भी अमीर है, जो रिच पर्सन है, उनसे हम लोग कर्ज वसूल लेकर कर लेते हैं, कर्ज वसूलो। इन्होंने, नेशनल कन्वेंशन ने यह विधान बनाया, और जब नेशनल कन्वेंशन ने यह विधान बनाया तो इसमें भी क्या हुआ, जैकोबिन्स वर्सेस जीरोंदिन्स हो गया। इस प्रक्रिया में जैकोबिन्स वर्सेस जीरोंदिन्स हो गया। देखिए जो जीरोंदिन्स थे, अगेन अमीरों के क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, कहेंगे कि भाई आप क्यों वसूलोगे, क्योंकि याद कीजिए फिर इनकी जो मेन थॉट्स क्या है, इनका फंडामेंटल थॉट्स क्या है, लोड क्यों दे रहे हो भाई आप आम जनता को। जीरोंदिन्स इस चीज का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, जबकि ये जो जैकोविंस होंगे, ये जैकोविंस क्या करेंगे, इसका समर्थन करेंगे।
राइट, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे परिस्थिति में देखो ये सुधार तो कर रही है, ऐसा नहीं है। देखो ये मैंने एक सुधार बता दिया आप लोगों को कि ये सुधार हुई है, लेकिन इस सुधार के बावजूद जो समस्या है, अगेन मैंने बताया था कि जैकोविंस हैं ये जैकोविन इस प्रकार के सुधार से सहमत नहीं है, बल्कि वह क्या है, चाहते हैं कि रेडिकल सुधार हो, रेडिकल सुधार हो। और इसी रेडिकल सुधार के लिए अब कहते हैं कि देखो ये नेशनल कन्वेंशन जो है ना, ये नेशनल कन्वेंशन अभी इतना पावरफुल नहीं है कि रेडिकल सुधार कर सके। और इसी के लिए जैकोबिन्स क्या कर रहे हैं, रेडिकल सुधार हो सके, रेडिकल सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहला काम यह किया कि देखो पेरिस की जनता, पेरिस की भीड़ एंड कम्यून की सहायता से, कन्वेंशन पर आक्रमण किया, नेशनल कन्वेंशन पर आक्रमण किया। और यहां पर आक्रमण करने के बाद ये जितने भी जीरोंदिस्त है, इन जीरोंदिस्त को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद यही जैकोवियंस जो है वह क्या कर रहे हैं, जीरोंदिस्त समाप्त हो गए हैं। और जीरोंदिस्त समाप्त होने के साथ ही गिरफ्तार करके ये जैकोवियंस जो हैं वह क्या कर रहे हैं, आतंक की राज की अस्त, आतंक की राज, राइट। तो ये अब आतंक की राज की स्थापना ये करेंगे। यहां पर रॉब्सपियर इसके लीडर हैं जैकोविन्स के, ये इनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, राइट। तो देखो अब आतंक की राज स्थापित हो रही है रॉब्सपियर के द्वारा। अगेन यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, या कीजिए, रूसो के बारे में हमने चर्चा किया था, रूसो का एक सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा किया था। और वो सिद्धांत क्या था, हमने बताया था कि रूसो ने कॉमन वील का सिद्धांत दिया, कॉमन वील, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है, ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत यही है कि देखो एक तो है ऊपर राज्य है, स्टेट है, कार्यपालिका है, राज्य है, ये राज्य किस प्रकार की नीतियां अपनाए, इनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। रूसो कहता है कि जितनी आम जनता है, इस आम जनता की जो इच्छा है वही क्या होना चाहिए, इस राज्य की भी पॉलिसी का मार्गदर्शिका होनी चाहिए, उसी के आधार पर राज्य अपनी तमाम नीतियों का क्या करे, निर्धारित करे। और रूसो का ही यही कॉमन वील चुनाव प्रक्रिया हम देखते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वहां पर आपको दिखाई देती है। भारत में भी देख लीजिए, भारत में आम सरकार क्या कहती है, आम जनता यह चाहती है, किसान यह चाहते हैं, इसलिए हम ये नीतियां ला रहे हैं, राइट, यही तो चाहते हैं। रूसो ये बात कर, रूसो यहां पर एक दूसरी बात इसमें भी कहता है, रूसो कहता है कि देखो कई बार ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है, अगर एक व्यक्ति हो, मान लीजिए एक्स, जैसे मान लीजिए मोदी जी, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, राइट,
रूसो कहता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की जो सोच है वही सोच सामान्य जन समूह के कल्याण के लिए काफी आवश्यक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है रूसो के अनुसार, मैं उदाहरण दे रहा हूं इसीलिए आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा और इसको उदाहरण के तौर पर ही लीजिएगा, राइट। तो रूसो कहता है कि कई बार देखो सामान्य इच्छा तो होना चाहिए, सामान्य इच्छा जनता की इच्छा से ही क्या होना चाहिए, राज्य की नीतियां निर्मित होनी चाहिए। लेकिन उसने यह भी कहा कि एक ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि एक व्यक्ति की जो सोच है वह क्या करे सबके कल्याण के लिए आवश्यक हो, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, राइट। तो रूसो अब इसके बाद क्या कहता है, रूसो कहता है कि ओके अगर एक व्यक्ति की सोच जन कल्याण के लिए जरूरी है, आवश्यक है, तो उस व्यक्ति की सोच को, उस व्यक्ति की सोच के आधार पर निर्मित नीतियों को, पॉलिसी को क्या करना चाहिए, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना चाहिए, जबरदस्ती क्या करना चाहिए, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करो, राइट। ये रूसो यह भी कहता है। अब देखिए यही यहां पर रूसो की नीतियों को, देखो कोई भी नीति अच्छी या बुरी नहीं होती है, हम उसका एक्सप्लेनेशन अपने इंटरेस्ट में करते हैं। जब यहां पर जैकोबिन्स आतंक की राज स्थापित कर रहा है, आगे हम आपको बताएंगे रॉब्सपियर के बारे में, तो जो रॉब्सपियर होता है और वह जब अपने आतंक की राज एक स्थापित करता है तो वह रूसो की इसी नीति का क्या कर रहा है, वैचारिक कहता है कि देखो रूसो ने ही यह बात कही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमको आप लोग तानाशाह मत समझो, आप लोग निरंकुश सत्ता का केंद्र मुझे मत समझो, जिस रूसो का आधार बना करके आप कह रहे हो कि आम जनता की इच्छाओं का ही क्या होना चाहिए, आपकी पॉलिसी आधार होना चाहिए, उसी रूसो ने यह भी बात कही है कि अगर एक व्यक्ति की सोच भी अगर आम जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है तो वह नीति को फोर्सफुली क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। और रॉब्सपियर ने कहा कि हमारी जो सोच है फ्रांसीसी जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी सत्ता ही प्रमुख हो, सारे नेशनल कन्वेंशन जाए अलग, सारे जिरोंदेश जाए अलग, गिरफ्तार उन लोगों ने कर लिया, राइट। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अभी तक आतंकी राज तक हम लोग आ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक डायरेक्टरी की शासन हो रहा है, आतंकी राज स्थापित हो रहा है। थोड़ा सा अभी इसमें बाकी है क्योंकि हमने नेशनल कन्वेंशन का मूल्यांकन आप लोगों से नहीं कराया है। हमने यद्यपि ये तो बता दिया है कि नेशनल कन्वेंशन के पास कौन कौन से समस्याएं थी, यूरोपियंस, राजा, आम जनता और राजनीतिक वर्चस्व। हमने यह भी बता दिया कि राजनीतिक वर्चस्व किस प्रकार स्थापित हो रहा है, राइट। अब हम लोग कल इसका क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा इसमें इसका मूल्यांकन कर लेंगे और मूल्यांकन करने के बाद इसका जो थर्ड स्टेज कौन सा है, 1799 से 1814 के बीच में, जिसमें हम लोग 1794 के बाद पढ़ेंगे, 1794 से 99 के बीच में जो एक आतंकी राज जो तानाशाही रॉब्सपियर का शासन वगैरह आ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। एंड देन हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं। एक व्यक्ति की भलाई में सभी व्यक्ति की
एक व्यक्ति की भलाई में सभी व्यक्ति की भलाई निहित है। ये क्या क्वेश्चन है आरबी, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। ये प्रश्न एक व्यक्ति की भलाई में सभी व्यक्ति की भलाई कैसे निहित हो सकती है, आप बताओ। एक व्यक्ति की भलाई में सभी व्यक्ति की भलाई कैसे निहित हो सकती है? एक व्यक्ति की भलाई में सभी, विकीस बिल्कुल पूरा होगा। और देखिए मैं तो चलिए कल हम लोग क्या करेंगे, कल इसका मूल्यांकन फर्स्ट, थोड़ा 5-10 से 15 मिनट लगेगा इसका मूल्यांकन करने में, नेशनल कन्वेंशन का 15-20 मिनट लगेगा, मूल्यांकन कर लेंगे। एंड देन हम लोग थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो है फ्रांसीसी रिवोल्यूशन का, फ्रेंच रिवोल्यूशन का, उसको पढ़ेंगे। ओके चाणक्य ने कहा था, चाणक्य, एक व्यक्ति की भलाई में सभी व्यक्ति की भलाई निहित है। ओके चलो मैं भी इसको समझने का प्रयास करूंगा, इसको सर्च करने का प्रयास करूंगा। ओके 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 आई गॉट इट। ओके थैंक यू सुजीत। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और अगर आप लोगों में से कोई भी अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है तो संदीप आईटी इस कोड के जरिए जुड़े, पहली बात। महेश महेश देखो मैं तो नोट्स दे दूंगा, लेकिन देखो मैं ये कहूंगा ना कि आप लोग इसके साथ बुक्स जरूर पढ़ो, बुक्स जरूर पढ़ो। जो लोग जीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं वह सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, राइट। या अगर जो लोग ऑप्शनल के लिए पढ़ना चाहते हैं वो दीनानाथ वर्मा या आप लोग लाल बहादुर वर्मा कोई किताब पढ़ सकते हो, नर्मल लुई की भी पढ़ सकते हो अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे हो तो। ओके एग्जैक्टली सत्ता के सेंट्रलाइजेशन में, हाँ उस वो जो सरकमस्टांस है, जो उसका सरकमस्टांस है, उसका सरकमस्टांस समझ में आती है बात। देखो वो वहां पर आप लोग को यह भी समझना होगा, एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि वो दो संदर्भों में कह रहा है, सत्ता के केंद्रीकरण में, सत्ता का केंद्रीकरण की बात वह कर रहा है, पहली बात सही है। लेकिन वह सत्ता का केंद्रीकरण क्यों करना चाहता है, उसके अतिरिक्त आप लोग देखो उसके जो वेलफेयर्स मेजर्स हैं, लोक कल्याण के लिए उसके जो बातें हैं, लोक कल्याण की जो बातें हैं उसको आप लोग देखो, तो ये इसलिए कहता है ना, वो जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति होना चाहिए, आप लोग खुद सोचो। वह सिर्फ एक ऐसे कल्पना व्यक्ति की कल्पना करता है जो सभी आम जनता को अपने पुत्रवत एक बात करें, राइट। वह चंद्रगुप्त को मजबूत करना चाहता है, चंद्रगुप्त को इसलिए मजबूत करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि क्या हो कि सारा वह क्या करेगा, जो अखंड भारत है अखंड भारत को रक्षा करेगा, पहली बात, जिम्मेदारी पूर्वक काम करेगा, घनानंद जैसा नहीं होगा वह, घनानंद जैसे वह सेल्फ सेंट्रिक नहीं होगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो वो पावर देने की बात करता है,
और वह कहता है कि पावर उसी को दो जो उस योग्य हो, राइट। तो आप लोग मतलब इसको जो स्टेटमेंट है उसको शून्य में देखने का समझने का कोशिश मत करो, उसको शून्य की अवस्था में मत देखो। वो हमेशा एक सापेक्षता की बात है, वो हमेशा एक रिलेटिव पॉइंट से जोड़ता है। वह कल्पना करता है कि उसी व्यक्ति को पावर दो, उसी व्यक्ति की सुरक्षा में, हित में, इंटरेस्ट में, सभी का इंटरेस्ट है जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा त्यागशील हो, जो अशोक जैसा जनता को पुत्रवत व्यवहार करता हो, जो लोक कल्याण की बात करता हो, जो अपने पावर तो है लेकिन पावर के पश्चात, पावर एक बार मिल जा रहा है उसके पश्चात वह अपने इंटरेस्ट से ज्यादा आम जनता, देश, समाज, अर्थव्यवस्था, इनके इंटरेस्ट को क्या करता है, पूरा करता हो। एक करप्ट, याद रखिएगा, एक करप्ट जो आप लोग देख सकते हो कि जो करप्ट लोग हैं हमारे, आप लोग को पता ही है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। क्या जो ये बात है जो चाणक्य की, क्या यह स्टेटमेंट है यह क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन जो हैं, क्रिमिनल पॉलिटिशियन जो हैं उनके संदर्भ में है, जो करप्ट पॉलिटिशियन है उनके संदर्भ में है? नहीं। तो दोनों आप इसको सही बोले, तो आप लोग आरबी में आप लोग, आपसे कहूंगा कि देखो उसको करो, उसका कंटेक्स्ट लिखो, और उसका कंटेक्स्ट लिखने के बाद ये पॉइंट जरूर सेकेंड हाफ में इस पॉइंट को लिखना कि ऑब्वियसली बात है ये सभी के लिए नहीं है, ये सभी को नहीं दिया जा सकता है जो सेल्फ सेंट्रिक हो। जैसे जो याद कीजिए अभी हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में लुई 16वां तो है, लुई 16वां है, तो क्या ये लुई 16वां पर ये फिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये हमेशा फिट होगा कैसे शासकों पर, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, अकबर हो, इस प्रकार के शासकों पर ये क्या होता है, शोभा देता है, राइट। ऐसे लोगों पर, ऐसे लोग फिरोज शाह तुलक पर तो फिट नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी उसकी सोच ही कुछ और है। अगेन अलाउद्दीन खिलजी अगर हम लोग अभी आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं कि राज्य और धर्म के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, मध्य युग में होते हुए भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसने राज्य और धर्म को अलगाव किया था। तो ऐसे लोगों को ही क्या करना चाहिए, उसकी भलाई करनी चाहिए। लेकिन लुई 16वां हो, लुई 15वां हो, क्या आप लोग चाणक्य की इस स्टेटमेंट को लुई 15वां, लुई 16वां के कॉन्टेक्स्ट में लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे कई ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन हैं जो क्या गए हैं, जेल की सजा भुगत रहे हैं, जिन पर केसेस चल रहे हैं, क्या उनको ये तमाम सुविधाएं दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है, राइट। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल देना, केस स्टडी एग्जाम्पल दे करके अपनी बातों को क्या कर सकते हो, उसको प्रूफ कर सकते हो। एग्जैक्टली आरबी, अगर वो केस स्टडी देखने के बाद पता चल जाएगा, है ना। चलो आप लोग इसको लिख करके आरबी, उस वो जो केस स्टडी है उसको लिखो और लिख करके सेंड करना, ठीक है।
ओके ओके आरबी, ग्रेट। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस क्लास को ऐसे ही रोकते हैं, एंड देन हम लोग फिर कल मिलते हैं, और कल हम लोग और भी बहुत कुछ पढ़ लेंगे, और कल परसों 2 दिन में हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंच रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके बाद कुछ और चैप्टर शुरू करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट, नमस्ते।